तो अभी ये हमारा रॉ अगरबत्ती बंडलिंग का काम चल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये प्रोसेस थोड़ा दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि बंडलिंग किस तरीके से करना होता है। तो ये हम अभी बंडलिंग रबड़ से कर रहे हैं। ये रॉ अगरबत्ती ले लिया, बाद हाथ में रबड़ रखा है और उसको सीधा लगा दिया, तो इस तरीके से हो जाती है ये बंडलिंग। और ये सबसे आसान प्रोसेस लगता है मेरे को, धागे से बांधने के बजाय ये काफ़ी आसान होता है। एक प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये रॉ अगरबत्ती उठा लिया है, अब ये टूल की मदद से ये थोड़ा सा इसको बराबर कर लिया और उंगली पे ये रबड़ रखा हुआ है उसको खींचेगा, खींच के सीधा सीधा बंडल में डाल देगा। तो इस तरीके से बंडलिंग आसानी से हो जाती है। और ये प्रोसेस हम लोग काफ़ी समय से कर रहे हैं, धागे का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, क्योंकि धागे में क्या होता है कि वो अच्छे से टाइटिंग नहीं होती, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं रहता धागे का। और रबड़ का जो कि देख रहे हो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब बंडल आपका ढीला नहीं होगा। जैसा कि एक बंडल है तो आप देख रहे हो ये काफ़ी अच्छा टाइट है, मतलब स्टिक जैसे कि ये खड़ी रखने पर गिरेगा नहीं, तो डिपिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि धागे से बंधा हुआ स्टिक पूरी की पूरी नीचे की तरफ गिर जाती है, तो उसमें एक प्रॉब्लम होती है। और इसे हम लोग वेट नहीं करते, क्योंकि ये कार्टून में पैकिंग के बाद सीधा डायरेक्ट वेट हो जाती है। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 500 ग्राम एवरेज आप वेट कर सकते हैं। इसमें होने वाला रबड़ जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 नंबर साइज़ का रबड़ होता है और ईजिली आपको जर्नल स्टोर्स वगैरह में मिल जाएगी। इसका पैकेट मैं आपको दिखाता हूँ, इसका पैकेट होता है ये, इसका प्राइस मिनिमम 60 से 70 रुपये के आसपास आ जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो सारी अगरबत्तियाँ हैं पूरी रबड़ से ही बंधी हुई है, और कितनी अच्छी दिख रही है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये हमारा एक बंडल है और ये जो स्टिक है हमारी प्योर जो उसकी स्टिक है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो आप ये क्वालिटी भी देख सकते हो और रबड़ में कितनी अच्छी दिखती है, मतलब रबड़ में फ्लेक्सिबल रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और पूरा जो है बंडलिंग रबड़ से ही किया गया है। जैसा कि ये कैरेट में और काफ़ी अगरबत्तियाँ रखी हुई है और ये हमारा कार्टून, जो कि कार्टून में ये डायरेक्टली जाके पैकिंग हो जाती है, तो ये भी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। अगर रॉ अगरबत्ती से रिलेटेड आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं तक, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कुछ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।